दोस्तों CDPO जिसका फुल फॉर्म चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर होता है, जिसे हिंदी में बाल विकास परियोजना अधिकारी कहते हैं, इनके बारे में ही आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे और जानेंगे कि CDPO अधिकारी कौन होता है, कैसे बनते हैं, इनका कार्य क्या होता है, क्या योग्यता होनी चाहिए, भर्ती प्रक्रिया क्या होती है, कौन कौन से विषयों से प्रश्न पूछे जाते हैं और इसका सिलेबस क्या होता है। तो दोस्तों CDPO ब्लॉक स्तर का अधिकारी होता है जिनका कार्य होता है महिलाओं और बच्चों के शारीरिक विकास के लिए कार्य करना। इनके अंतर्गत अपने क्षेत्र में आने वाले सभी 0 से 6 साल के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए समय समय पर कार्यक्रम आयोजित करवाना, जिससे कि वे अपनी और अपने बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सके, उनकी जरूरतों को जानना और उसकी आपूर्ति करवाना, महिला और बाल विकास के लिए चलाई जाने वाली सरकारी योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करवाना, फिर क्षेत्र में जाकर उस योजना से संबंधित जानकारी प्राप्त करना, योजना का लाभ लेने वाली महिलाओं से उसका फीडबैक लेना और फिर उनकी रिपोर्ट बनाकर उच्च अधिकारियों को भेजना आदि से संबंधित कार्य CDPO के अंतर्गत आते हैं। इसके साथ ही अपने क्षेत्र में आने वाले सभी आंगनवाड़ी केंद्रों का समय समय पर निरीक्षण करना, वहां के कार्यों की जांच करना और कोई गड़बड़ी पाई जाने पर वहां पर छापेमारी करना आदि इस तरह के कार्य भी CDPO को करने होते हैं। अब बात करते हैं वेतन की, तो इन्हें प्रति माह 50,000 से 65,000 रुपए के लगभग वेतन मिलता है, जो कि अलग अलग राज्यों में कम या ज्यादा भी हो सकता है। और दोस्तों CDPO बनने के लिए कैंडिडेट का किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन पास होना जरूरी होता है, फिर चाहे कैंडिडेट ने 12th के बाद BA, BSc, BBA, BCA, BCom, BTech आदि में से कोई भी कोर्स किया है और किसी भी विषय में किया हो, सभी ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर कैंडिडेट के पास ग्रेजुएशन में समाज शास्त्र, सामाजिक कार्य या मनोविज्ञान में से कोई भी विषय था, तो ऐसे कैंडिडेट को बाकी सभी कैंडिडेट से ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। और कैंडिडेट की आयु सीमा जनरल कैटेगरी वालों के लिए 21 से 37 साल के बीच में होनी चाहिए, जिसमें OBC वालों को 3 साल की छूट मिलती है, जिसके अनुसार OBC वालों की आयु सीमा 21 से 40 साल के बीच में होनी चाहिए और SC ST वालों को 5 साल की छूट दी जाती है, जिसके अनुसार SC ST वालों की आयु सीमा 21 से 42 साल के बीच में होनी चाहिए। अब बात करते हैं इसकी भर्ती प्रक्रिया की, तो इसमें सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा होती है, फिर मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू लिया जाता है। प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य ज्ञान का पेपर होगा, जिसमें 150 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं और यह 2 घंटे का पेपर होता है, जिसके बाद कैंडिडेट को मुख्य परीक्षा देनी होती है, जिसमें 3 पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है हिंदी का, जिसमें 100 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा पेपर होता है जनरल स्टडीज 1 और जनरल स्टडीज 2 का, जो कि 300-300 नंबर के पेपर होते हैं और इनमें 3-3 घंटे का समय दिया जाता है। और तीसरा पेपर ऑप्शनल होता है, जिसमें गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र, श्रम व समाज कल्याण में से एक विषय चुनना होता है। यह पेपर 300 नंबर का होता है। और दोस्तों ये तीनों पेपर डिस्क्रिप्टिव पेपर होते हैं, यानी कि आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने होंगे। फिर इस एग्जाम के बाद कैंडिडेट के नंबरों के आधार पर मेरिट लिस्ट बनती है और फिर सिलेक्टेड कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जो कि 120 नंबर का होता है। और जनरल हिंदी के सिलेबस में शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ, शब्द रूप, संधि एवं समास, क्रियाएं, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियां, तत्सम एवं तद्भव, देशज विदेशी शब्द भंडार, वर्तनी, अर्थबोध, हिंदी भाषा में होने वाली अशुद्धियां, मुख्य बोलियां आदि से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और जनरल स्टडीज 1 और जनरल स्टडीज 2 के सिलेबस में विज्ञान, पर्यावरण और परिस्थितिकी, सामयिकी, अर्थशास्त्र, सरकारी नीतियां और पहल, संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, भूगोल, आधुनिक इतिहास, मध्यकालीन इतिहास,
कला और संस्कृति, आजादी के बाद का इतिहास आदि से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और अब बात करते हैं कि आप CDPO की वैकेंसी के बारे में कैसे पता करेंगे। तो इसके लिए आपको अपने राज्य की लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर जाना होगा। जैसे अगर आप बिहार से हैं तो आपको गूगल पर bpsc.bih.nic.in वेबसाइट सर्च करनी होगी, जिसके बाद आप बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर आ जाएंगे और आपको यहां पर बिहार में चलने वाली सभी लेटेस्ट वैकेंसीज दिख जाएगी। और जब भी बिहार में CDPO की वैकेंसी आएगी तो आपको उसकी नोटिफिकेशन भी यहीं पर देखने को मिलेगी, जिस पर आप क्लिक करके उसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये थी CDPO ऑफिसर बनने के बारे में सभी जरूरी जानकारी। और अगर आपका अपने राज्य में CDPO की भर्ती से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो हमें कमेंट कीजिए, जिससे कि हम आपके लिए उस टॉपिक पर वीडियो बना सके। और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिएगा।